नई दिशाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याओं पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम रानी दुर्गावती। हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है, शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं। इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है। माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में। आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है। जी हाँ, देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते। बस बस, वहीं खड़े रहो। शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ। अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम? मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा। जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख। अच्छा, वाह। और हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं। ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती। अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं। चल बेटा मोती। आ,
आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं। इसी तरह समय बीतता गया। कालंजर से कुछ दूरी पर, जहां आज जबलपुर शहर है, उस इलाके पर गोंड नरेश दलपतशाह का राज्य था। एक बार दलपतशाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपतशाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा। वीर नारायण अभी 3-4 वर्ष का ही था कि दलपतशाह का स्वर्गवास हो गया। दुर्गावती सती होना चाहती थी, लेकिन आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं। महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें। ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है। राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो। रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था। साधु बाबा, अब अच्छा यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं। अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी
मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं। क्या? हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा। है? हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है। अच्छा? हाँ, बहुत बड़ी फौज है। और नहीं तो क्या बच्चा। अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है। बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा। तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा। अच्छा, रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी। हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है? बिल्कुल है। और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो? उसका भी इंतजाम है। अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी? देखो, तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना। नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे। हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है। गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम। यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था। अब महल के उस हिस्से की रक्षा की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द है। लो, और सुनो बच्चा, तुम तो रानी माँ कहते नहीं थकते, और रानी माँ ने तुम्हें बस चौकीदार बनाकर रख छोड़ा है। क्या? अरे तुम्हारे जैसा आदमी तो मुगल सेना में होना चाहिए था। कम से कम सिपह सलार तो जरूर हो गए होते बच्चा। एक दिन साधु वेशधारी सुधार सिंह के बहकावे में आकर रानी के विश्वासपात्र सेवक बदन सिंह ने राजमहल की गुप्त सुरंग का द्वार भीतर से खोल दिया। मुगल सेना धड़धड़ाती हुई अंदर चली आई। रानी इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी उसके सैनिक हथियार संभालकर दुश्मनों पर पिल पड़े। पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे, उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ। मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल। हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप, ओह कितना खून बह रहा है। ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू। रानी माँ, देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा। अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें। नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ। अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे। रानी माँ, मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आप
जहां रानी दुर्गावती के साथ प्राण त्यागने वाले महावत गनु जैसे वफादार सेवक थे, वहीं बदन सिंह जैसे गद्दार भी थे। उसने मुगल सम्राट अकबर से इनाम पाने के लालच में अपनी रानी के साथ गद्दारी की। जानते हो अकबर ने उसे क्या इनाम दिया? उसके मुंह पर कालिख पोत कर उसे गधे पर बैठाकर सारे शहर में घुमाया गया और उसके बाद उसे तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया गया। छोड़ो मुझे, छोड़ नहीं, नहीं, नहीं। छोड़ मुझे। उसे अपने किए की सजा मिल गई, लेकिन रानी दुर्गावती अपनी आन बान और अपने देश की शान पर मर मिटी। ऐसे वीरों का नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, जैसे गोंड रानी दुर्गावती, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा या फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी दुर्गावती, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार विश्वमोहन बडोला, वीना होरा, अभय भार्गव, मनोज भटनागर, मंगत राम और शांति एस कालरा, ध्वन्यंकन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।